गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग का छठ पूजा का आज आखिरी दिन है और हमारा आखिरी दिन भी छठ पूजा खत्म हो जाने वाला है कुछ ही देर के बाद। तो सुबह का हम लोग जा रहे हैं वाला अर्घ देने, तो हमारे साथ चलिए अर्घ देने। ठीक है, चलिए। मेरी आंटी भी चलेंगी तो आप लोग भी चलो मेरे साथ अर्घ देने। चलिए, जय छठी मैया भाई लोग। आज हम लोग का फाइनली आखिरी दिन है छठ पूजा का और हम लोग का दौरा जा रहा है अब घाट पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आज हमारा छठ भी खत्म हो जाएगा और दुख भी हम लोग के लिए। जय छठी मैया। हमारी मम्मी लोग जा रही है गाइस घाट पर और हमारी पुआ है, दिस इज माय चाची, दिस इज माय चाची, सॉरी माय इंग्लिश इज वेरी बिग, यू नो दैट। जैसे कि देख सकते हैं गाइस, हम लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद हमारे सूरज देवता को हम लोग नमन करेंगे और छठी माई से यही कृपा करेंगे, सब सुखी और संपत्ति ही रहे। जय छठी मैया। तो देख सकते हैं अब हमारे सूरज देवता जी अब उठने वाले हैं और चलिए हम लोग अब गंगा के नीचे चलते हैं। अब अर्घ को भी हम लोग मिलेंगे और आप लोग भी दो घर बैठे जो लोग नहीं आ पाए हो और जो देख लो भाई छठ पूजा बनाया जाता है यार। मेरा तो फेवरेट पर्व है, आप लोग बताइएगा आपका फेवरेट है कि नहीं। और माहौल देखिए, इन लोग को बहुत अच्छा थैंक यू बोलेंगे भाई दौरा लेके। पता है ना, 4 बजे आ गए थे और ना यहाँ पर माहौल उसमें बहुत अच्छा था, बहुत कम आदमी था, लेकिन अभी बहुत आदमी हो चुका है। हम लोग जो पूजा की है 36 घंटा से, अब पता होगा ये कितना कठिन पर्व होता है। और कुछ ही देर के बाद हमारे सूरज भगवान आने वाले है और जो पूजा की है वो लोग अब उतर चुकी हैं। अब सूरज भगवान के नमन करेंगी, उसके बाद दौरा को दिखाया जाएगा सूरज भगवान के पास। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग गाइस, हमारी मम्मी लोग उतर चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद हमारे सूरज भगवान थोड़ी ही देख रहे हैं, अब लालापन भी आ गया, अब सूरज भगवान हमारे निकलने वाले हैं। तो कुछ ही देर के बाद 36 घंटा का जो उपवास होता है गाइस, अभी करना हमको तो लगता नामुमकिन होता है। और कुछ ही देर के बाद हमारे सूरज देवता भी निकलने वाला है और सब बस वही वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दौड़ा देंगे, अर्घ देंगे और छठ पूजा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो जो था छठ पूजा का मैं सब चीज़ दिखाया हूँ, उसके बाद सब चीज़ दिखाऊंगा, अभी भी बहुत चीज़ है वीडियो में, अंत तो बने रही है। तो मम्मी लोग ना खुश हो रही है, थोड़ा भगवान हमारे निकल रहे हैं सूरज देवता, बस थोड़ा देर के बाद हमारे सूरज भगवान निकल जाएंगे। निकलने वाले हैं ना, देखो 36 घंटा का व्रत होता है ना गाइस, देखो भूखे प्यास से। हम आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो सूरज भगवान तो निकल रहे नहीं, थोड़ा लेट हो रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन चालू है, वो उनका कहानी कह रहा है, ये इनका कहानी, सब अपना अपना खानदान का कहानी हो रहा है यहाँ पर। आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे हमारे सूरज भगवान निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो क्राउड है ना सब इधर ही साइड में आ गए गंगा जी तरफ। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, फाइनली हमारे सूरज देवता जी उठ गए हैं। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का अर्घ देना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे भी देखो सूरज भगवान ऐसे भी उग गए हैं, बादल में छुप रहे हैं, तो अर्घ स्टार्ट दिया जाता है यहीं पर। जानते हो गाइस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है यहाँ पे एरिया, हम लोग देख रहे हैं तो लास्ट में है, पूरा आधा ज्यादा डूब गए। अब चलो हम लोग फाइनली अर्घ देंगे और छठी माई से यही कृपा करेंगे, सब सुखी रहे, सबका कोई दिक्कत ना हो, सबका नौकरी चौकरी हो जाए, इसका स्पेशल हो जाए मन का। हमारी आंटी सब ना हमको चिढ़ाती है, हेलो गाइस कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी पूजा हो जाता है उसके बाद गोईठा में ना कपूर को ऐसे करके गंगा माई को चढ़ाया जाता है और गंगा नदी में ऐसे बहती रहती है, आप लोग देख सकते हैं। ब्रिस्बेन और पे चंगा लग गया। आप लोग सुन सकते हैं गाना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मम्मी हम लोग पूजा कर ली है, अब सब आशीर्वाद लेने के लिए बरकरार है और यहाँ पे हुमात जलाया जाता है, सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है और दिया से जो दीप होता है ना, हम लोग हर एंगल से सूरज भगवान को पूजा करते हैं, सुबह का अर्घ और शाम का अर्घ को भी। जैसे ही जानते हो गाइस, हम लोग माँ जो पूजा कर लेती है मम्मी उम्मी, उसके बाद ना हुमात का यहाँ पे ये होता है
हुमा दिया जाता है, 5 बार हुमा दिया जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि 5 बार हुमा देंगे गाइस, बस और लग लेना है। तो फाइनली गाइस हमारा छठ पूजा का सब चीज हो चुका है, हमारा पूजा भी हो चुका है। और घाट देख रहे हो भाई कितना भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ से ज्यादा क्या है ना, छठ पूजा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्व होता है। और कुछ मतलब हम लोग जाने वाले हैं अभी यार, खत्म हो गया छठ पूजा, अब मन नहीं लगेगा हम लोग को, तो यही है। और बहुत इंजॉय किए छठ पूजा, खैर आप लोग भी इंजॉय किए होंगे, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद ठेकुआ जो मिलता है ना गाइस, ठेकुआ खाएंगे ना, वो अलग लेवल का रहता है यार, जो प्रसाद रहता है, हम लोग बिहारी 1 साल के लिए इंतजार करते हैं ठेकुआ खाने में। चलो कोई बात नहीं, जय छठी मैया, सबको कृपा करेगी छठ माँ यार, सबको कृपा करेगी, जय छठी मैया। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सब फोटो शूट करने के लिए तब रेडी है। अभी गाइस फिलहाल में पता क्या हो रहा है, सब फोटो शूट करवा रहा है, और सब क्या हो रहा है प्रिंस भैया, एंजॉयमेंट मोमेंट है ये अभी एंजॉयमेंट मोमेंट। हाँ, बार इस आज के बाद में फिर सब कल हम अपना अपना घर चले जाएंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। अब घाट देख रहे हो गाइस कितना खाली लग रहा है, देखो यही होता है, अब सब अब घर 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 जाएंगे, अब ठेकुआ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और आज भर हम लोग रुकेंगे, फिर तो घर से कल से काम ही काम। आपको बता देता हूँ, देखो छठ पूजा इतना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, फिर अगला साल हम लोग छठी में आएगी, फिर कृपा करेगी। तो बहुत ही ज्यादा मजा आया छठ पूजा में घूमने में, अब जो भी हुआ बहुत इंजॉय हुआ। जय हो छठी मैया, सबको ऐसे ही कृपा करते रहिएगा माते माँ जी, जय छठी मैया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप घाट पर जब भी आओगे ना, तो चाय वो का सब व्यवस्था रहता है, पानी चाय वो का सब व्यवस्था रहता है। तो हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं गाइस, अब घर में दौरा खुलेगा, उसके बाद जो प्रसाद है ना सब पे बटेगा, जो प्रसाद हम लोग खाएंगे, और आपको भी दिखाऊंगा और खिलाऊंगा जरूर। छठ पूजा फैमिली के साथ हमको मुझे और हम मेरे सारे फैमिली लोग के बहुत एंजॉय आया, और अभी फनी मोमेंट चल रहा था तो थोड़ा, लेकिन यही आप घर जाएंगे ना तो मतलब 7 से 8 दिन एकदम मन नहीं लगेगा, मतलब हाँ, जैसे हम लोग अपने घर चल जाएंगे पटना, तो वहाँ पे एकदम मन नहीं लगेगा, क्योंकि मिस करेंगे सब कुछ। हाँ पूरा, अब 1 साल का इंतजार करना होगा, उसमें भी हो सकता है। देखो प्रिंस भैया तो हमारे घर आते रहते हैं, हम लोग शूट पे जाते रहते हैं, और शुगर फ्री पीते रहते हैं। प्रिंस भैया का डेली का ब्लॉग आता है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स दे दूंगा, और चैनल को जरूर। पूजा कर रही है थोड़ा उधर दिखा दो। तो हम लोग घाट से आ चुके हैं गाइस, और पहले देखो जो भी पूजा करती है घाट से आने से पहले, देखो यहाँ पे देखो हमारी मम्मी सब पूजा कर रही है, और ये देवी मंदिर है ना, देवी मंदिर है भैया, हाँ शिव जी का मंदिर है, हमारे महादेव जी का मंदिर है, और हम घुमाते हैं अपने गांव का महादेव का मंदिर। हम भी देखो, आप लोग भी फैन हो महादेव के, तो हम भी फैन है, और हमारी मम्मी लोग भी खूब पूजा करती है महादेव का, तो महा के महादेव है ना, इसलिए महादेव का कोई रूप ले सकते हैं। चलिए जिसका इंतजार पूरे साल करते हैं हम लोग बिहारी, अब वो तो इंतजार ही रहेगा, फिर से 1 साल इंतजार करेंगे महापर्व का। फाइनली गाइस हमारा छठ पूजा का एंड हो चुका है, और जो भी छठ पूजा में आप लोगों को वीडियो दिखाए हैं, खैर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, फैमिली ब्लॉग टाइप का ये वीडियो था, और डॉक्यूमेंट्री भी था, जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक हम जानते थे छठ पूजा के बारे में मैं आपको बताया हूँ। तो
आप लोग पता होगा हम लोग छठ पूजा इतना धूमधाम से मनाते हैं। जब मुकम्मल पूरा हो जाता है हम लोग ना छठ पूजा का बारात निकालते हैं, बैंड बाजा से स्टार्ट पे घाट पे जाते हैं और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जय हो छठी मैया। आपको बता देता हूँ, देखो हम लोग मम्मी पूजा वूजा करके आ गई, अब हम लोग का जो घर का देवता होते हैं अब उनको पूजा जाता है। यहाँ पर अपना गांव का ये प्रसाद जो बनता है ना, ये बताना चाहता हूँ, ये गंगा जल से बनता है और ये प्रसाद हम लोग बहुत ही ढूंढते हैं, पटना में एकदम नहीं मिलता ये प्रसाद, ये छठ पूजा का स्पेशल प्रसाद है। कल हम आपको बता देते हैं ना, मम्मी ना पारण कर रही है और यहाँ इसके बाद जब मम्मी यार प्रसाद ग्रहण मतलब खा लेंगी ना तो हम सब भी प्रसाद खाने लगेंगे। जिसका मुझे डिंग डिंग एक है था इंतजार, वो गड़ी आ गई आ गई। गाइस फाइनली देख लो प्रसाद मिल गया है और बर्थडे पहन लिया है। ये बार गोर लगा है, हमरा समझ गोर लगते रहना चाहिए, शादी हो जाए हमारे बेटा के। नहीं ना ठीक बता देना। डिंग डिंग